PTM पख्तून तहफ्फुज मूवमेंट सर सिर्फ KP में तशद्दुद की मुजम्मत करती है या बलूचिस्तान पंजाब और सिंध में भी इनका यही मौकफ है तशद्दुद के खिलाफ? हर जगह यही मौकफ है तशद्दुद, चाहे बलोच के साथ होता हो चाहे पंजाब में होता हो। अरशद शरीफ तो वहाँ आते हैं, उसकी भी मजम्मत कर रहे थे और उसके खिलाफ भी बोल रहे थे, और चाहे सिंध में हो रही हो जहाँ पर भी जुल्म जबर होता हो, हम उनके मुखालिफ हैं और मजलूम के दोस्त। सर फिर तो अगर पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट का नाम पाकिस्तान तहफ्फुज मूवमेंट ना होता तो बेहतर ना होता? है पाकिस्तान तहफ्फुज मूवमेंट नाम भी एक तंजीम है। है हाँ, वो उसका कोई मुतालबा नहीं है, सिर्फ PTM की मुखालफत करती है। मुखालफत? हाँ करे यार, ठीक है सर, कोई बात नहीं है, मुखालफत से हम कहाँ ख़त्म होने वाले हैं, है, वो नहीं है हमें। तो हम हर कौम को उसकी अपनी शनाख्त और नुमाइंदगी पर यकीन रखते हैं, वो अपने कोई मजबूत तंजीम बनाए, हम उनके साथ इतिहाद करेंगे ताकि उनकी अपनी स्ट्रांग नुमाइंदगी हो। मंजूर पश्तीन बाई चांस इस तरफ आ गए या बाई चॉइस? क्या बनना क्या चाहता था मंजूर पश्तीन, बनना क्या चाहता था? नहीं, इससे पहले तो मैं तो इवन आर्मी स्कूल बन्नू में पढ़ रहा था। हम तो यहाँ पर मतलब पहले जब छोटा था वाले साहब कहते आप पायलट बनोगे, मैंने कहा अच्छा पायलट बनूंगा मैं से, लेकिन बाद में इन चीज़ों से नफरत हुआ कि यार ये लोग तो हमारे वतन के लोगों को मार रहे हैं, मेरे पख्तूनों को जो मारेगा मैं उसका हिस्सा कैसे बनूंगा, मैं अपने मिट्टी के साथ अपने कौम के साथ इतना बेवफाई करूंगा यार, मैं इस हद तक तो नहीं चला जा सकता हूँ। तो वो जो ख्वाहिश थी वो तो रियासत के रवैयों ने ख़त्म कर दिया। सर मुस्तकबिल में हम मंजूर पश्तीन को सियासत में देख रहे हैं? मैं तो अभी भी सियासत कर रहा हूँ, गैर पार्लिमानी। पार्लिमानी सर? हाँ यार, मैं वो सियासत नहीं कर रहा हूँ, ये यहाँ पर तो सियासत किसी और चीज़ों को कहा जाता है। मैं कौमी मफादात के लिए जद्दोजहद की जो एक मेरे जहन में डिफिनीशन है, या कौमी मसाइल को उजागर करके उसके हल के लिए रास्ते बनाना, यही वो सियासत तो हम कर रहे हैं, एक मुजामती। हाँ बता, गैर पार्लिमानी है, और गैर पार्लिमानी की भी वजूहत है, ये हमारे सोसाइटी में अक्सर ये जो बेतफाकी है वो पार्लियामान की वजह से, वोट मुझे देते हो नहीं देते हो, उसको दिया उसको, ये उसकी पार्टी का है उसका नहीं है, इस वजह से हमने फिर ये फैक्टर भी निकाल दिया कि बस चलो। अच्छा सर, अवामी ताकत के साथ साथ अगर इख्तदार के ऐवानों तक भी रसाई हासिल हो जाए तो आप नहीं समझते कि सर आप इस तहरीक को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं? आपको वाकई आप कह रहे हो यहाँ कहीं पर इख्तदार है अवामी हलकों के ज़रिए जहाँ जा सकते हो? सर कुछ ना कुछ तो, आटे में नमक के बराबर तो है ना। आटे में नमक बहुत ज़्यादा काम करती है, पूरा जायका बना देती है। मकदार की बात कर रहा हूँ सर, मकदार इतना मकदार से कुछ होता ही नहीं। क्या आप इख्तदार के ऐवानों से बिल्कुल मायूस हो चुके? ये मैं तो नहीं कहता, उसके अपने अमाल ने साबित कर दिया है। जब यहाँ पर हमारा कौम मुत्तहिद हो जाए, दुनिया के हज़ार पार्लियामेंटों से यह ताकतवर है, कौमी इतिहाद होगी तो हमारी बात। अगर हम कौम को इकट्ठे करने, अगर हमारा करने वाला चाहिए ना सर, हम ये दिन रात जो फिर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं सर? वो तो आप गैर पार्लिमानी हो ना। हाँ तो गैर पार्लिमानी ही इतिहाद बनाया जा सकता है। पार्लिमान पे तो अगर मैं आज ऐलान करूँ तो सारे मैं फलाने पार्टी का हूँ, मैं चला गया, मैं फलाने, सब अपने अपने पार्टी में चले जाए। हम यहाँ पर कौमी इतिहाद बनाएंगे तो ये पार्लियामेंट भी हमारी बात सुनेगा, तो ये फौज भी प्रेशर में होगा, तो हर कोई फिर दुनिया का हर ताकत यहाँ पर आसानी से अपने एजेंडे और एजेंट नहीं ला सकेंगे। मोहसिन दाऊद से सर सिर्फ सियासी तौर पर रास्ते जुदा हो गए हैं या नज़रियाती तौर पर भी? सर यार उसकी अपनी तंजीम में वो उसको चला रहे हैं, और यहाँ हम PTM की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हाँ अलबत्ता हमारे और उनके दरमियान कोई रवाबित या वो नहीं है। सर मोहसिन दाऊद के साथ सिर्फ या अली वज़ीर भी है उसके साथ? नहीं, अली वज़ीर ने न कोई तंजीम बनाया है अपने लिए और न उस तंजीम का हिस्सा है। अली वज़ीर अपने आप को यानी PTM के साथ ही आज तक वो अपने आप को कहते हैं कि मैं
पीटीएम के साथ ही रहूँगा, और वो उस तंजीम का हिस्सा नहीं है, वो पीटीएम से नहीं चला गया, उसने अपने रास्ते अलग नहीं किए।